पाओगे तो सब भूल जाओगे। आजकल की भागा दौड़ी की जिंदगी में सभी शॉर्टकट में रहना चाहते हैं। सभी को जल्दी है कहीं जाने की, कुछ पाने की। वक्त किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि आज इंसान पेट भरने के लिए पैसा तो बहुत कमा रहा है, लेकिन उसके पास अपना ही पेट भरने के लिए वक्त नहीं है। वो ठीक से भोजन पकाकर खाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं, या फिर उसकी ज़ुबान पर बाहरी खाने का स्वाद चढ़ चुका है और वो धीरे धीरे फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बर्गर और चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से याददाश्त जाने का जोखिम है। ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है कि खराब भोजन शैली स्वास्थ्य को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च में बताया कि बर्गर और चिप्स जैसे अल्ट्रा खाद्य पदार्थ के सेवन से सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। बर्गर, चिप्स और पैकेज कुकीज जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का प्रतिदिन 400 से 500 कैलोरी से ज़्यादा सेवन से याददाश्त जाने या कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च को 8 सालों तक किया गया। इस रिसर्च में करीब 10,775 पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया है। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन किया, उनकी याददाश्त कमजोर होने की दर 28% ज़्यादा थी। जामा न्यूरोलॉजी में छपे एक रिसर्च में कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ का सेवन ज़्यादा हो रहा है। ऐसे देशों में उनके रोजमर्रा के आहार में करीब 50% हिस्सा इसी का होता है, जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में पोषण और खाद्य विज्ञान के प्रोफेसर गुंटर कुल्हे ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल मुद्दा है। ऐसा भी संभव है कि संतुलित आहार ना लेने के कारण याददाश्त में कमजोरी की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे व्यायाम, धूम्रपान, शराब, हृदय और पाचन संबंधी बीमारियाँ। ब्रिटेन में स्थित एस्टॉन विश्वविद्यालय के पोषण विशेषज्ञ दुआन मेलोर ने कहा कि आज पूरी दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य के लिए आहार और पोषण दोनों ही सबसे बड़ी चुनौती हैं। कई रिसर्च हुए हैं, उनसे पता चलता है कि मोटापा अब दुनिया में भूख से भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक समस्या बन गया है, क्योंकि कहा जाता है कि मोटापा 10 बीमारियों को लाता है। यानी आपका वजन बढ़ गया तो आपके शरीर को कई बीमारियां घेर लेंगी। ज़्यादा वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की वजह से मोटापा, हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पोषण और स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के इंडिपेंडेंट ग्रुप ग्लोबल पैनल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन विकासशील देशों में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा मोटापे का खतरा बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 3 अरब लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिलता है, और इसी कारण से उन लोगों को पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य के साथ अपने दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना है, तो फास्ट फूड को छोड़कर हरी सब्जियाँ, दाल, मेवा, अनाज, फल और डेयरी फूड को अपने भोजन में शामिल कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।